ये इनसे जिससे नहीं चला ना उनसे वापस ले लेंगे हम यही। हाँ देख लो। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. आज All India SC/ST Railway Employees Association कारखाना अजमेर द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी एल बेरा जी के जन्मदिन के अवसर पर भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी फैल रही है और इस कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना जो कोरोना योद्धा हमारे स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छताकर्मी और सुरक्षाकर्मी और हमारे मुख्यतः मीडियाकर्मी जो लॉकडाउन और सारी पाबंदियों के बाद भी रात दिन समाचार देके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आज उन्हीं को उन सभी योद्धाओं को हमने इस अवसर पर सम्मान किया और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की है कि और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य और स्वच्छ स्वास्थ्य की कामना हमने की है। इसी के साथ हमने कुछ हमारे रेलवे आउट हाउस में जो हमारे ज़रूरतमंद हैं उनको खाद्य सामग्री देने का वितरण करने का हमने काम किया है। उसमें सभी छोटी छोटी चीज़ें साबुन, तेल, ये पोया, नमक, मिर्च, इस तरह से हमने ये देने का काम किया। क्या अपील कहना चाहते हो आप? मैं आपको ये बताना चाहूँ भाई साहब, क्या अपील है आपकी शहरवासियों से? जी, शहरवासियों से अपील है कि वो घर में रहें, स्वस्थ रहें। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ साथियों कि जब कोरोना महामारी फैली तो इस कोरोना महामारी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री रेल मंत्री को पत्र लिखा और ये आह्वान प्रस्ताव दिया कि आप हमारे एक दिन का वेतन काटें, जिसे रेल मंत्री ने पूरी बुरी बुरी प्रशंसा की। यही नहीं अपितु हिंदुस्तान में पहली बार राज्य सरकार को भी केंद्रीय रेल कर्मचारियों ने अपने एक एक दिन का वेतन दिया और 5.5 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान किया गया और वो उसका सारा श्रेय हमारे बी एल बेरवा जी ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई और इस कार्य को संपन्न कराने काम किया। मैं इस अवसर पर हमारे सभी कोरोना योद्धाओं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी जो इस महामारी में सामाजिक सेवा कर रहे हैं उनके स्वस्थ स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। विनोद चौहान, कारखाना सचिव, SC/ST एसोसिएशन, अजमेर। ये भी कोरोना का काम कर रहे थे हमारे।